नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद के मुढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के ग्राम हिरणखेड़ा में खुदाई करते समय यहां पर खाटू श्याम की मूर्ति निकली है। बताया जा रहा है कि यहां पर भक्त गणों का भी वहां पर तांता लगा हुआ है। 2007 में बाढ़ के कारण समाधि यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई थी और समाधि को बनाने के लिए दोबारा काम शुरू किया गया। खुदाई के दौरान यहाँ पर खाटू श्याम की मूर्ति निकली और इस पर ग्रामवासियों ने धूप अगरबत्ती लगाना और साथ ही प्रसाद चढ़ाना भी शुरू कर दिया है। ग्रामवासियों का कहना है कि यहाँ पर 2007 में एक यहाँ पर जो है समिति बनाई गई थी कि इसमें यहाँ पर मूर्ति मिलने से ग्रामवासियों में खुशी की भी लहर है। आपको बता दें कि पूरे दिन मेला भी यहाँ पर लगा रहता है और दूर दूर से भक्तगण आकर प्रसाद चढ़ा रहे हैं और साथ ही आशीर्वाद खाटू श्याम का प्रदान कर रहे हैं। क्या मामला है, ये मूर्ति वगैरह बताने के लिए? कौन से गांव में निकले थे? अच्छा, पहली बार आए हैं हम प्रसाद चढ़ाने। तो क्या मान्यता लगती है आपको? अच्छा, हमें प्रसाद चढ़ा दिए। कितने लोग आप भक्तगण आते हैं यहाँ पे सुबह से शाम तक? जिसको पता चल रही है वो निकाल। ये क्यों आई आज यहाँ पे आप? अच्छा, क्या मामला है, प्रसाद चढ़ाना है? क्या निकला यहाँ पर? खाटू श्याम मूर्ति निकली है। तो कहाँ से आए? गांव से प्रसाद चढ़ाना है ये? अच्छा, इसी गांव से चढ़ा दिया आपने प्रसाद। तो क्या मन्नत मांगी बाबा से आपने? सही बात, सुख शांति होनी चाहिए हमारे गांव। कौन सी जगह है? अच्छा, क्या मामला है यहाँ पे, कोई बता दे। मूर्ति वगैरह प्रकट हुई है, क्या है पूरा मामला? ये समाधि बना रहे हैं हमारे मामा का समाधि है। आप देखो जी, 2007 में एक्सपायर हुए थे जी, उनकी समाधि टूट गई क्षतिग्रस्त हो गई बाढ़ में। तो हमने सोचा चार पिलर खड़े कर लेंटर करवा के उनकी दरवाजे बनवा दें। तो दो पिलर तो खड़े हो गए, बाकी दो पिलर खोद रहे हैं। तो उसमें दो फीट से नीचे कर देना बाबा खाटू श्याम की मूर्ति निकली। अरे कितने दिन पहले मूर्ति निकली थी? ये शनिवार को निकली है, 20 तारीख। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को पता है कि है मूर्ति निकली थी? हाँ, आए हैं कुछ पुलिस कर्मी या कुछ आए, दरोगा जी वगैरह आए थे। तो किस प्रकार का यहाँ मेला वगैरह है, भक्तों का तांता लगा रहता है? भक्तों का तांता तो आप देख रहे हैं, कितना तांता है, और मेला क्या दुकानें ये लगी रही है सब लोग। तो आपकी क्या मंशा है यहाँ पे आने वाले टाइम में? क्या मंदिर बनाएंगे? कैसे अच्छा मंदिर बनाएंगे आप? बाबा खाटू श्याम का मंदिर बनेगा। दिन भर में यहाँ पर लगभग लोग बाग आ रहे हैं, भक्तगण आते हैं, तो कुछ चढ़ावा को प्रसाद वगैरह क्या मतलब कोई मानता वगैरह? काफी मानता हो रही है, काफी चढ़ावे आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से भक्त आ रहे हैं यहाँ पे? काफी काफी दूर से आ रहे हैं, मुरादाबाद रामपुर साइड के लोग आ रहे हैं, सेफली तक के इधर। क्या नाम है आपका? मुनेश। अच्छा, तो कहाँ कहाँ के भक्त आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मुंडा पांडे इधर सेफली साइड के, बिलारी साइड के, मुरादाबाद तक के जो भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं हजारों की तादाद। तो क्या मानता है यहाँ पे लगता है आपको, क्या कल युग में कहीं ना कहीं भगवान प्रकट होते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं होते हैं। अच्छा, खाटू श्याम है ये, शनिवार के दिन इनकी वो हुई है जागरी। हाँ, कितने दिन हो गए हैं प्रकट हुए? शनिवार, इसी शनिवार को जी, 19 तारीख में जो है यहाँ निकले। जैसे लोगों को पता लगा, सारे गांव वाले लोग जो है यहाँ आकर और सबने पूजा पाठ। तो आपने क्या विचार बनाया, मंदिर बनवाएंगे? हाँ, मंदिर बनवाएंगे। अच्छा, गांव के सहयोग से? हाँ हाँ, पूरे गांव का सहयोग है, क्षेत्र का भी सहयोग है। ठीक ठीक, धन्यवाद। और से बात अगली खबर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर 2000 रुपए के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से चलन से बाहर किए जाने पर भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर के उपजिलाधिकारी कोमल कुमार को सूरजपुर कलेक्ट्रेट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यहाँ पर राजेंद्र यादव ने कहा है कि वर्ष 2016 में जब नोटबंदी की गई थी, तब उस समय ये देखा गया था कि यहाँ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें बैंकों और साथ ही एटीएम के बाहर लगी हुई हैं, जिसमें यहाँ पर कुछ जनहानियाँ भी हुई। उस समय पर यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया था, और क्योंकि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से नोट बदलने का नियम बनाया और नोटों को यहाँ पर बदला गया था, क्योंकि जब उस समय यहाँ पर 500 और 100 रुपये, आपको बता दें कि यहाँ पर 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए गए थे, अवैध लीगल टेंडर घोषित किया गया था, तब यहाँ पर तर्क दिया गया था कि काले धन पर लगाम लगेगी, लेकिन देश में 99% नोट बैंकों में बदल दिए गए थे। नोटबंदी के बाद 2016 में 2000 रुपए का नोट चलन में आया था, लेकिन फिर से 2023 में 2000 रुपए के नोट को जो है चलन से बाहर कर दिया गया है।
नमस्कार, मैं राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की बात कही है, जिसका समय 30 सितंबर दिया गया है कि 30 सितंबर तक नोटों की को आप बदल सकते हैं। मेरा RBI वित्त मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि ये जो नोट हैं जो आप बदलने की बात कर रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी क्या कहते हैं ID प्रूफ दिए बिना आप नोट बदलने की बात कर रहे हो, वो अपने आप में ब्लैक मनी को दोबारा से बाजार में लाने की बात कर रहे हो। जब आप ब्लैक मनी को, काले धन को कहते हैं, ख़त्म करने की बात कर रहे हो, तो ये जो 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर रहे हो, इनको आप सीधे खाते में क्या कहते हैं जमा कराइए। खाते में जमा होंगे तो पता चल जाएगा किसके पास कितना काला धन 2000 रुपए के नोट के रूप में कहते हैं अभी उसके पास जमा है। जिस तरीके से RBI की गाइडलाइन आई है कि किसी भी क्या कहते हैं कोई भी ID प्रूफ दिए बगैर आप नोट बदल सकते हैं, तो काला धन जूं का तूं रह जाएगा। क्यों इतना पैसा आप लोगों ने बर्बाद करा है इस 2000 के नोट को छुपाने के लिए? आपने कई सौ करोड़ रुपए का कितने बर्बाद कर दिए हैं। क्यों आप इस देश को कहते हैं गर्त में ले जाने की बात कर रहे हो? मेरा RBI से अनुरोध है कि ये एक गाइडलाइन जारी करी जाए जिसमें सभी 2000 रुपए के नोट जो है वो खातों में जमा कराए जाएँ। धन्यवाद। उत्तराखंड की एक और भर्ती का परिणाम घोषित होते ही शक के घेरे में आ गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग लगातार भर्तियों के मामले में चर्चाओं में चल रहा है, और इसी क्रम में पुलिस भर्ती का भी एक दिन पहले यहाँ पर पुलिस आरक्षी भर्ती का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से परिणाम घोषित किया गया, जिस पर आज काफी संख्या में पूरे उत्तराखंड में आए अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पहुंचे, और उन्होंने यहाँ पर बताया इस भर्ती में बड़ी मात्रा में अनियमितताएं पाई गई हैं। अपनी अपनी समस्या यहाँ पर चैनल को बताते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि इसमें किस तरह की कई खामियां हैं। सर, जो 445 वैकेंसी हमारी फायरमैन की थी सर, इसमें 30% पद देने थे इस क्या नाम आयोग को हमारे, मतलब 137 पद देने थे, इसमें इन्होंने 75% आरक्षण महिला को दिया है जबकि पुरुषों को दिया है 25% आरक्षण। तो ये कौन से देश का आरक्षण दिया है जो 75% महिलाओं का आरक्षण? वैसे 30% होता है सर महिलाओं का, उत्तराखंड में जो हमारे नियमावली के अनुसार 30% आरक्षण देना चाहिए महिलाओं को, इसमें जो फायरमैन का रिजल्ट है हमारा इसमें 75% दे रखा है सर, और जबकि 25% ओनली लड़के से लाट के रखे हैं। तो ये सर पूछना चाहता हूँ कहाँ नहीं आए सर। और खबर लक्सर से है, जिले के यहाँ पर CFO अभिनव त्यागी बता दें कि लक्सर पहुंचे, लक्सर तहसील परिसर स्थित यहाँ पर अग्निशमन कार्यालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया और फायर कर्मियों को यहां पर अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। अभिनव त्यागी ने बताया कि फायर सीजन में अग्निशमन विभाग किसी भी तरह की यहां पर और की तरफ यहां पर आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके पास आग बुझाने के सभी उपकरण मौजूद हैं। साथ ही अभिनव त्यागी ने यहां पर यह भी कहा है कि जब भी कहीं आग लगने की सूचना मिलती है तो सड़कों पर लगने वाले जाम के कारण रिस्पॉन्स टाइम में यहाँ पर थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए यहाँ पर उनकी आमजन से अपील है कि लोग जहाँ भी यहाँ पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी को देखें तो गाड़ियों को रास्ता दिया जाए। अग्निशमन की जो घटनाएं हैं उन्हें संभालने के लिए हमारा विभाग पूर्ण रूप से तैयार है, हमारे पास सभी प्रकार के इक्विपमेंट है। बाकी मेरी लोगों से एक आशा है कि मैं देख रहा हूँ कि जब अग्निशमन की घटनाएँ होती हैं तो लोग कई बार रास्ता रोक लेते हैं, हमारी गाड़ियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी कोई फायर टेंडर आपको दिखे, लाल रंग की गाड़ी दिखे, उस पर पुलिस लिखा हो तो उसे सबसे पहले रास्ता दें ताकि वो लोगों तक पहुंचे। हम लोग आपकी मदद के लिए हैं, हम लोग आपके लिए ही टेंडर में बैठ के निकलते हैं, और आप ही लोग कई बार हमारा रास्ता रोकते हैं तो हम नहीं पहुँच पाते। और अग्निशमन की गहराई तब समय में आती है लोगों को जब उनके घर में आग लगती है। और रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय बीजेपी पार्षद पति पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए गंगनहर पुलिस और साथी SDM रुड़की को ज्ञापन सौंपा है, शिकायत पत्र दिया। आरोप है कि यहां पर बीजेपी पार्षद पति जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा है और मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि रुड़की वार्ड नंबर 18 की गणेशपुर निवासी सुधीर तोमर पुत्र रतन पाल ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि उनकी तरफ से गंगनहर कोतवाली पुलिस और साथी SDM रुड़की को एक शिकायती पत्र देकर बताया गया कि उनकी दुकान के सामने 26 फीट सार्वजनिक रास्ता है जो आगे जाकर कुलदीप तोमर पुत्र सत्यपाल के यहाँ पर संपत्ति से मिलता है। कुलदीप तोमर वर्तमान में बीजेपी पार्षद पति हैं। आरोप है कि यहाँ पर पार्षद पति ने जानबूझकर पीड़ित को परेशान करने की नियत से दुकान के सामने अपना राजनीतिक पोल लगवा दिया है और उस पोल से यहाँ पर आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव गणेशपुर, ये वार्ता जो है हमारे यहाँ से जो हमारी संपत्ति है उसके ऊपर लगे हुए ही है,
इसमें जो पार्षद पति है कुलदीप तोमर, उन्होंने हमें धमकी दी है, मार पिटाई की, और उसकी इमेज जो है मेरे पास क्लिप भी है। ये जो है हम भी पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और ये भाजपा जो है नेता हैं, पार्षद पति हैं, और ये भाजपा की आड़ में जो है हमें परेशान कर रहे हैं। और अब उन्होंने हमें जो है धमकी दी है कि तुम्हारी कुर्सी पर लात मारेंगे, तुम्हारी दुकान पर ताला मार देंगे, तुम्हें दुकान खोलने नहीं देंगे, और तुम्हें मारे पीटेंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। दुकान का मामला ये है कि हमारी जो दुकान है उसके सामने गाड़ी खड़ी करते हैं ये, और जो इनके मिलने जुलने वाले हैं, नेता हैं या मिलने जो कोई भी है, मतलब साथी हैं, वो अभी खड़ी करते हैं। उन्हें हमने अगर मना किया कि यहाँ पे दुकान का रास्ता छोड़ के आप कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, पर दुकान का रास्ता छोड़ के खड़ी किया करो, ताकि दुकान पे ही गाड़ी खड़ी होगी, और अगर इसे आप हटाओगे तो तुम्हारे साथ में माटा पिटी भी करेंगे, और मुझे गाली भी दी है, और मेरे पास व्हाट्सएप पे इन्होंने रिकॉर्डिंग भी भेज रखी है जो इन्होंने मुझे धमकी दी है। था अस्पताल में भर्ती था, दोनों भाई गए तो उसके लिए हरकत करी है, उस पर जमीन का बहनावा करवा दिया दूसरे के नाम, रुपए गिरवा दिए अपनी मम्मी के नाम खाते में, उसके खाते में गिरवा कर फिर अपनी मम्मी के खाते में पलटवा दिए, तो मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे बच्चों के लिए मार काट की धमकी दे रहे हैं, मेरी जमीन भी गई, आध बीघा जमीन, मैंने केस कर रखा उस पर। तो अब क्या क्या कर? हाँ जी, मुझे वो तो अपने बच्चों की चिंता है। और किसान कामगार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने अपने कैंप कार्यालय पर मां बगलामुखी उपासक आचार्य लोकेश शास्त्री का फूलमाला और साथी पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया, साथ ही उनकी तरफ से किए जा रहे यहां पर उचित कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि यहां पर लोकेश शास्त्री ने यहां पर समाज सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है, जो यहां पर निर्धन बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं, उनकी शिक्षा का भी भार लोकेश शास्त्री वहन करते हैं, इसलिए आज उनकी तरफ से अपने कैंप कार्यालय पर आचार्य जी का स्वागत सम्मान समारोह रखा गया था। और चलिए बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के यहाँ पर मोरवा वार्ड क्रमांक 3 डामरीकरण रोड निर्माण कार्य में व्यापक धांधली देखने को मिल रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आयुक्त पवन सिंह को शिकायत की है, जिसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त पवन सिंह की तरफ से यहाँ पर तत्काल जाँच का आदेश जारी किया गया था। मौके पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्थिति पर ही पहुंची नगर निगम के अधिकारियों ने यहाँ पर रोड को जेसीबी से खुदवाकर जांच की, तो जिसमें यहाँ पर रोड निर्माण गुणवत्ता ही यहाँ पर जो है पाया गया। रोड निर्माण में हुई यहाँ पर धांधली को लेकर अब साइड इंजीनियरों पर भी गाज गिर सकती है। आयुक्त की यहाँ पर इस कार्रवाई से अन्य ठेकेदारों में भी खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर नगर निगम क्षेत्र में जो भी रोड के निर्माण किए जा रहे हैं वो गुणवत्ताहीन है, अगर सही तरीके से जांच की जाए तो कई ठेकेदार दोषी पाए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्र के यहाँ पर विभिन्न वार्डों में हुए रोड निर्माण के हालात के यहाँ पर बारे में अगर कहा जाए तो एक साल के अंदर रोड खराब हो जाती है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ठेकेदार और साथी अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया निर्माण कराया जाता है। मैसेज के माध्यम से किसी ने भेजा था, आम आदमी ने, किसी ने, तो मैंने तत्काल अपने एक सिविल इंजीनियर को वहाँ साइट पे भेजा, और वीडियो के देखने से प्राइमरली ही लग रहा था कि काम बहुत घटिया किस्म का हुआ, तो मैंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि वहाँ मौके का निरीक्षण करके अगर काम घटिया हो तो उसको बनाने के लिए नहीं, उसको पूरा स्क्रैप कर दीजिएगा। तो उपाध्याय जी गए और उन्होंने देखा, और उन्होंने अपनी चिंता भी जताई, और कहा सर सही में काम गुणवत्ता भी नहीं, और तुरंत जेसीबी बुला के उस काम को स्क्रैप कर दीजिएगा, और उसके सैंपल कर लिए गए हैं और उसकी जांच कराई जाएगी। जैसे जांच रिपोर्ट में आता है कि डामर की निर्धारित मात्रा से डामर कम है तो उसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। और शिपा विदिशा की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर जिले के लटरी तहसील में पत्रकारों पर जो है एक पत्रकार पर झूठी FIR करने का मामला सामने, जिसके विरोध में यहाँ पर पत्रकार संघ ने थाने का सामने ही अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी काशीराम कुशवाहा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सट्टा चलाने वाली की पत्नी ने यहाँ पर जो है छेड़छाड़ की FIR दर्ज करवाई है। अब बता दें कि यहाँ पर पत्रकार की तरफ से नगर में चल रहे सट्टे के खिलाफ खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद सटोरियों की तरफ से यहां पर महिला को आगे करके FIR दर्ज करवा दी गई है। थाने के सामने धरना दे रहे यहां पर पत्रकारों की थाना प्रभारी से जमकर बहस हुई है।
और चलिए बात लक्सर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर लक्सर के हबीबपुर कुड़ी गांव में यहाँ पर डीजे पर गुर्जर गीत बजाने को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर मौके पर आए ग्रामीणों ने यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच बचाव भी करवा दिया था। आरोप है कि यहाँ पर इसके बाद आधी रात के समय आधा दर्जन से भी अधिक युवकों ने यहाँ पर घर के बाहर सो रहे युवकों पर हमला कर दिया, जिनमें यहाँ पर दो को गंभीर चोटें आई हैं जबकि दो को मामूली चोटें लगी हैं। इस बीच एक युवक का शव सुबह तड़के रायशी रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो जैसे रात को ये मतलब झगड़ा होगा आया उधर से डीजे डाजे फोड़ कर, तो मेरे घर के पास में ही खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि खून का बदला खून से लेना हम, और जी मार पिटाई मतलब उसने कहा अब नहीं लेता, कल को लेंगे बदला, तो गाड़ी इतने धमकी देकर निकले। डीजा बजा जी जब समझ आया लड़का नहीं मिला था, और उसके बाद हमने बहुत ढूंढा वो नहीं मिल पाया, सुबह ही हम फिर उसकी लाश मिली फिर जाकर। अच्छा जी वो पता नहीं क्या चीज़ मारा है उसमें, तो हिंसा एक निशान मिला है। मैं वहीं सड़क पर पड़ा था, मगर भी इनमें कोई झगड़ा ना हो जा, तो डीजे रहा था बज, तो एकदम वो लड़का आया, क्या नाम उसका, वो अमन, उसने आकाश मैं गए डीजे वाले के धोरो, अगर भाई वो गुज्जर वाला गाना सुना दे, उसने मना कर दी, कहने लगा नू बता दे डीजे किसका मेरा, अब तेरा तो खिड़की खोल, उनने खिड़की खोल ली, उसका लैपटॉप फोड़ दिया इन्होंने मुक्का मार का, एक शीशा फोड़ दिया उसका आगे का फ्रंट का, और फिर मारपिटा इनमें शुरू होगी वहीं से। डीजे पे गुजरों के लड़के थे, हमारे मेहमान नाच रहे थे, तो ये नाचते डीजे पे गुजरों का लड़का आया अमन नाम का, वो कहने लगा ये गुजरों वाला गाना चला दे, उस डीजे वाले भाई साहब ने चला दिया, कोई बात नहीं, उसने फिर कहा चला दे, फिर 10 मिनट के बाद वो चलाता रहा, उसने फिर वो धमका दिया था, तो उसने उसका लैपटॉप फोड़ दिया, तो क्यों चला रहा अब गाना मेरा, मान लिया जब एक फिर चला था दोबारा कोई मतलब नहीं था उसका चलवाने का, तो उसने उसका लैपटॉप दोबारा फोड़ दिया, और फिर उसका जो हो उनने गाड़ी का शीशे पर मुक्का मार के उसका शीशा फोड़ दिया, तो कोई बात नहीं। उसके बाद बीच बचाव करने लगे, वो कहने लगा जी हम तो मारेंगे बाद में आकर, फिर अपना देख लियो इंतजाम करके रखिए, पापा को भी मेरे धमकी दी उन्होंने कि तुझे भी देख लेंगे इंतजाम, तो पापा ने कहा भाई तू देख लिए तो फिलहाल चला जाए यहाँ से जा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतने, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन न्यूज 10। नमस्कार।